हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बड़ों को दिल से प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। राम राम जी, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये मेरा कुकिंग व्लॉग होने वाला है। कुकिंग व्लॉग में देखिए मैं सामने क्या बना रही हूँ। तो मैंने पनीर के टुकड़े काटे हैं और प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और मैंने थोड़ा सा ना मखाने और बादाम का ना मैंने पीस कर ऐसे पाउडर टाइप का बनाया हुआ है। करी पत्ता, तेज पत्ता, ये है मसाले और ये मेरा बिना टमाटर की सब्जी बनने वाली है पनीर की। मैंने कल के व्लॉग में आप लोग को बताया था कि मैं बिना टमाटर, क्योंकि आजकल टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं, 200 रुपए किलो के हिसाब से चले गए। साउथ में शायद ऐसा ही कुछ है, 200 रुपए किलो तक है। तो देखिए मैं बनाने जा रही हूँ, स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। तो मैंने कढ़ाई रख दिया है और ये जो वीडियो की शूटिंग है ना, ये मैंने दूसरे फ़ोन से लिया हुआ था तो इसलिए थोड़ा सा अंधेरा आया हुआ है। फिर बाद में मैंने अपने फ़ोन से लिया है तो उजाला आया है, क्योंकि मैं अपने फ़ोन में वीडियो अपलोड में लगाई हुई थी, खाली नहीं था मेरा फ़ोन। तो इसके लिए मैं दूसरे फ़ोन से मैं शूट कर रही थी तो अंधेरा अंधेरा थोड़ा सा आ गया है। तो देखिए मैं पनीर को फ्राई कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगी, थोड़ा सा ही करूँगी। तो थोड़ा सा पनीर और ये मेरा आधा किलो के करीब में पनीर था। तो देखिए मैं दो बार में पनीर को फ्राई कर लूँगी। और किस किस को पनीर पसंद है आप लोग बताइएगा ज़रूर। मेरे घर में तो सबको ही अच्छा लगता है पनीर, और ख़ासतौर मेरी बेटी को और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पनीर की। कोई भी आइटम है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए दूसरे बार का मैं पनीर देखिए भून रही हूँ, तल रही हूँ मैं और लाल करके। और फिर मैं यही कढ़ाई यूज़ करूँगी सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि पनीर तलिए ना तो थोड़ा बहुत जो नीचे लग जाता है फिर सब्ज़ी में मसाले के साथ टेस्ट उसका चला जाता है तो अच्छा लगता है। तो देखिए ये भी भूज रही हूँ। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को देखा करिए, पूरा देखा करिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी किया करिए। तो देखिए मेरा इतना तेल बच चुका है। तो सेम मैं उसी कढ़ाई में मैं तेज पत्ते और जो भी है पंचफोरन वगैरह सब, पंचफोरन बस मेरे पंचफोरन में सौंफ नहीं है, बाकी सब देखिए हींग भी डाल दिया है, राई लिया है, जीरा लिया है, मेथी लिया है, करी पत्ता डाला मैंने, टोटल सब कुछ लिया हुआ है। मेरे पास सौंफ नहीं था, सौंफ नहीं तेज और पंचफोरन में ना सौंफ भी रहता है साथ में। देखिए सबको ऐसे पहले थोड़ा सा तड़का लूँगी, भूज लूँगी, फिर ये मैं प्याज अदरक और मिर्ची की और लहसुन का ये पेस्ट मैंने बनाया था उसको भूजूँगी मैं। थोड़ा इसको भूनेंगे, भूनने के बाद फिर बाकी प्रोसेस करेंगे। और ये सब्ज़ी मैं बिना टमाटर का बना रही हूँ, आप लोग देखिएगा। और फिर मैं यहाँ से अपने फ़ोन से शूटिंग कर रही हूँ, शूट कर रही हूँ। तो देखिए उजाला आने लगा। तो देखिए मेरे प्याज लाल हो गए हैं। फिर इसमें देखिए मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। ये जो मेरा घर का मसाला रहता है ना, 15 मसालों का मिश्रण रहता है, इसमें अलग से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना मिर्ची ना धनिया पाउडर, मतलब कुछ भी, सब कुछ इसमें मिक्स रहता है। ये हल्दी पाउडर मैंने डाला और जो मसाला है मैंने वो डाला, होममेड मसाला। और थोड़ा सा मैंने कलर के लिए सॉस लिया हुआ है, देखिए कितनी छोटी सी कटोरी, बहुत थोड़ा सा लिया हुआ है। जैसे हम लोग भजिया वगैरह में यूज़ करते हैं ना जितना, उतना ही मैंने सॉस लिया है, केवल कलर के लिए लिया है। देखिए और सब अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे, सबको मिक्स कर लेंगे। और फिर इसके बाद ये मैंने मुझे सब्जियों में ना मखाने बहुत पसंद, जिस सब्जियों में पलट सकते हैं, मैंने थोड़ा सा मखाना डाल दिया। और ये मखाने और बादाम का मैंने पाउडर बनाया हुआ था तो ये मैं डाली, ये थिकनेस के लिए मैंने डाला है। तो देखिएगा लास्ट में कितना अच्छा इसकी ग्रेवी होती है, सेम जैसे हलवाई लोग ग्रेवी बनाते हैं ना वैसी मेरी ग्रेवी हुई है। और उन लोग भी ऐसे जैसे मावा भी डालते हैं उन लोग, बहुत लोग मावा नहीं पसंद करते हैं तो ऐसे पाउडर बनाकर मखाने वगैरह का डालते हैं। और थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है कि जले नहीं मसाला, तो उसको अच्छे से भूनेंगे मसाले को, थोड़ा ढक ढक पकाएंगे।
देखिए, और ये थोड़ा सा ना मेरे पास रखा हुआ था, थोड़ा मेरा दूध फट गया था तो उसका जो छान कर निकालते हैं ना, तो वो था, तो वो भी मैंने डाल दिया। मैं बोली क्या करूँगी इतने थोड़ा सा, तो वो भी मैंने इसी में डाल दिया। तो सबको भूज वूज कर, और देखिए नीचे जो कढ़ाई में लगी हुई थी सब छूट गया है, सब उसी मिक्स हो गया है, टेस्ट भी अच्छा लगता है। और नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। हाँ, इसको फटाफट जैसे ऐसे भूजते रहेंगे, बराबर मात्रा में भूजते रहेंगे कि नीचे लगे नहीं। फिर देखिए ढक्कन हटाया तो देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। और मैंने आप लोगों ने देखा, हमें जितना वीडियो मैंने शूट किया ना, सारा वीडियो मैंने दिखाया, कहीं भी इसकी वगैरह नहीं किया है। थोड़ा सा चलाने में मैंने स्पीड बढ़ाया है, बाकी मैंने कहीं स्किप नहीं किया हुआ है, पूरा वीडियो मैंने डाला है। और कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं डाला, कुछ भी ज़्यादा मसाला नहीं डाला, आप लोग देख लीजिए। और टेस्ट बहुत अच्छा आया हुआ था। मेरे हस्बैंड को ना जल्दी पनीर की सब्ज़ी पसंद आती नहीं है, पर ये सब्ज़ी मैंने बनाया ना, उनको बहुत पसंद आया। तो पनीर भी मैंने डाल दिया हुआ है, देखिए कलर सब्जी का। और धनिया पत्ता हो, कस्तूरी मेथी हो, सब डाल देने का, क्योंकि इस सीज़न में ना धनिया पत्ते अच्छे नहीं मिलते हैं। कस्तूरी मेथी आपके पास है तो वो डाल दीजिए। तो एक बार और देखिए सब्जी की थिकनेस। और मैंने पनीर के टुकड़े ना बड़े बड़े काटे हैं। तो अब चलते हैं प्लेटिंग के प्रोसेस में। तो देखिए मेरी सब्जी कितनी गाढ़ी हो गई है। और सब्जी मैंने लगाया, और ये लगा रही हूँ मैं अपने हस्बैंड का प्लेट। और इसके साथ रखेंगे रोटी। मैं रोटी बनाई हूँ, पूड़ी पराठे नहीं बनाई हूँ, मैं रोटी बनाई। मेरे घर ज़्यादातर रोटी खाना आप लोग पसंद करते हैं, तो मैंने रोटी बनाया। और कैसा लगा मेरा वीडियो, मेरी कुकिंग ब्लॉग, आप लोग को अच्छा लगता है कि नहीं, प्लीज़ आप लोग बताया करिए। और इसके साथ मैं रखूँगी आम। अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।